जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और रक्षाबंधन की भी हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का एक चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग। दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित क्वेश्चन कितने तरह के बनते हैं और क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, उन चीज़ों को हम समझेंगे इस वीडियो में और किस पैटर्न को करने वाले हैं हम वो भी हम देखेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि रीजनिंग में जो कोडिंग डिकोडिंग है उससे कितने तरह के प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों इसको हम एनालॉजी से संबंधित क्वेश्चन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एनालॉजी से संबंधित। तो एनालॉजी से संबंधित दोस्तों इसमें टोटल तीन तरह के प्रश्न बनते हैं, जिसमें सबसे पहले होगा आपका लेटर कोडिंग, ठीक है। दूसरा आपका होगा नंबर कोडिंग, तीसरा आपका होगा मिक्स कोडिंग। दोस्तों इस वीडियो में हम समझेंगे लेटर कोडिंग को, और लेटर कोडिंग से संबंधित जितने भी तरह के प्रश्न बनते हैं सभी को वन बाय वन हम करेंगे, और कितने तरह के प्रश्न बनते हैं उनको भी हम कवर करेंगे। तो दोस्तों लेटर कोडिंग में हम देखें तो टोटल हमें टाइप मिलते हैं कितने, पांच टाइप, पांच मिलते हैं, और इस वीडियो में हम करेंगे फर्स्ट टाइप से पांच टाइप तक सभी को हम समझेंगे। एक से पांच तक सभी टाइप को इस वीडियो में हम समझ लेंगे। तो लेटर कोडिंग में सबसे पहला जो पैटर्न होता है वो होता है फॉरवर्ड पैटर्न, ठीक है। क्या होता है? फॉरवर्ड पैटर्न। और दोस्तों इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कुछ इस तरह से बनते हैं, जैसे ये कुछ लेटर होते हैं ऊपर और नीचे कुछ लेटर हैं। इनमें क्या होता है, पहले लेटर का मतलब पहले से होगा, दूसरे का कोई ना कोई मीन दूसरे से होगा, तीसरे का तीसरे से, चौथे का चौथे से, और पांचवे का पांचवे से। कहने का मतलब पहले लेटर का कोई ना कोई मतलब होगा, दूसरे का दूसरे से होगा। अब ये मतलब क्या क्या हो सकता है, या तो आपका प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, और कितना माइनस हो सकता है कितना प्लस इसका भी कोई मतलब नहीं है। एक भी प्लस हो सकता है, चार भी प्लस हो सकता है, छः भी प्लस हो सकता है, या माइनस की बात करें तो एक भी माइनस हो सकता है, चार भी माइनस हो सकता है, या कितना भी माइनस हो सकता है, कोई इशू नहीं है। तो चलिए जैसे कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे आपके सामने है शॉर्ट। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको, SHORT शॉर्ट लिखा हुआ है, और उसने शॉर्ट को क्या बोल दिया, शॉर्ट को बोल दिया उसने TIST U, उसने बोल दिया शॉर्ट को TIPSU, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे उसने प्लस एक किया हुआ है, यहाँ भी प्लस एक है, यहाँ भी प्लस एक है, यहाँ भी प्लस एक है, और यहाँ भी प्लस एक है। तो ऑल टोटल सभी में उसने क्या किया है, एक प्लस कर दिया है। ऐसे ही यहाँ पे अगर आपसे मान लो पार्टी दे दी जाए, PARTY, और पार्टी को उसने लिखा हुआ है भाई, पार्टी को लिख दिया उसने QBSUZ। तो अब आपसे पूछ रहा है बताइए भाई आर्मी को क्या लिखा जाएगा, ARMY, आर्मी को क्या लिखा जाएगा। उसने पार्टी को ये लिखा है तो आर्मी को क्या लिखा जाएगा। तब ऐसी कंडीशन में मैंने बताया है आपको पहली वीडियो में, इन सभी लेटर्स को याद रखने की ट्रिक मैंने बताई है, क्योंकि अगर आपको ट्रिक इनकी पता है तो टाइम नहीं लगेगा एक सेकेंड का भी, बस देखते ही आप सॉल्व कर देंगे अगर ये सब रटे हुए हैं आपको तो, ठीक है। तो मैंने लेटर्स याद करने की ट्रिक आपको बताई है। तो आप देखें भाई, पी से क्यू यानी कि प्लस एक हो रहा है, और ए से बी देखें तो प्लस एक हो रहा है, आर से एस यानी कि प्लस एक हो रहा है, ठीक है, टी से यू प्लस एक हो रहा है, और वाई से जेड प्लस एक हो रहा है। तो आप इन सभी में भी प्लस एक कर दें, ए से बी, ठीक है, आर से एस, एम से एन, Y से Z, तो BSNZ ये इसका आंसर होगा, BSNZ यही इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह से होगा। दूसरा मान लो उसने लिखा हुआ है VIVEK, विवेक उसने लिखा हुआ है, और विवेक को लिखा हुआ है उसने WHWDL, ठीक है। तो अब आपसे कह दिया जाए भाई मनीष को क्या लिखा जाएगा, MANISH, मनीष को क्या लिखा जाएगा। तब आप आसानी से बता सकते हैं कैसे,
देखो वी से डब्लू यानी कि प्लस एक हो रहा है, ठीक है। आई से एच माइनस एक हो रहा है, ठीक है। वी से डब्लू प्लस एक हो रहा है, ई से डी हो रहा है तो माइनस एक हो रहा है, और फिर प्लस एक हो रहा है। कहने का मतलब है एक बार प्लस एक हो रहा है, फिर माइनस एक हो रहा है, प्लस एक हो रहा है, माइनस एक हो रहा है। तो ऐसे ही हम करेंगे, पहले हम प्लस करेंगे, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। आप देखें तो m के बाद क्या आता है, m के बाद आता है n, a से पहले क्या आता है z, n के बाद में क्या होता है o, i से पहले क्या आता है। देखो ये मैंने बताया था आपको लेटर्स काउंट के आपको प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। आई आई कितने पे होता है, 9 पे, तो 8 पे क्या होगा h। तो देखो यहाँ पे माइनस हो रहा है तो माइनस कर देंगे एक h। s, s के बाद क्या होता है, s के बाद t आता है, तो यहाँ होगा t। h 8 पे होता है तो 7 पे क्या होगा g, माइनस हो रहा है क्योंकि, तो आंसर होगा n z o h t g, यही आपका सही आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से चीजें आपको देखने को मिलती हैं। चलो एक और प्रश्न कर लिया जाए। मान लो उसने अंकित लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अंकित ए एन के आई टी, और अंकित को उसने लिखा हुआ है क्या भाई, अंकित को लिख दिया उसने जेड एम जे एच एस, जेड एम जे एस एच ये लिख दिया उसने, ठीक है, यानी एच एच एस। तो आपसे पूछ रहा है विशाल का मतलब क्या होगा, वी आई एच एच ए एल, इसको क्या कहा जाएगा। तो आप देखेंगे ए से जेड हो रहा है तो इसका मतलब क्या है भाई, एक माइनस हो रहा है। एन से एम हो रहा है तो एक माइनस हो रहा है। के से जे हो रहा है तो जे के बाद के आता है, माइनस एक हो रहा है। आई के बाद एच आ रहा है तो एच से आई माइनस एक हो रहा है। एस टी आप देखें तो फिर माइनस एक हो रहा है, मतलब कहने का सभी में माइनस एक हो रहा है, सभी में माइनस एक हो रहा है, सभी में माइनस एक हो रहा है। तो अब आप देखेंगे तो यहाँ सभी के पीछे पीछे चलते चले जाएँ एक, यानी कि ये 22 नंबर पे होता है तो 21 पे क्या होगा आपका यू, ये 9 पे होता है, 8 पे क्या होगा एच, ये 19 पे होता है, 18 पे क्या होगा आर, एच 8 पे होता है, 7 पे क्या होगा जी, ए 1 पे होता है तो 26 पे क्या होगा जेड, एल 12 पे होता है तो 11 पे क्या होगा के। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये। तो अभी फिलहाल के लिए अगर आप बिगनर हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो आप क्या करें इनके ऊपर लेटर नंबर लिख लें। जैसे आप देखेंगे ये 22 नंबर पे होता है, ये 9 नंबर पे होता है, ये 19 पे हो गया, ये आपका 8 पे हो गया, ये 1 पे हो गया, और ये 12 पे हो गया। ऐसे अगर आप लेटर लिखेंगे तो आपको सबसे पहले तो लेटर याद हो जाएंगे कि कौन से नंबर पे कौन सा लेटर है। उसके बाद आप माइनस यहाँ से करेंगे कि एक एक माइनस करना है, तो यहाँ पे आपको 21वां लेटर लिखना है, और यहाँ 9 है तो 8वां लिखना है, यहाँ 19 है तो 18वां लिखना है, यहाँ अगर 8 है तो यहाँ 7 लिखना है, यहाँ 1 है तो टोटल 26 होते हैं, उसके अपोजिट 26वां लिखना है, 12 है तो 11वां लिखना है। अब इनकी वैल्यू आप अच्छी तरह से जानते ही हैं, 21 की यू एच आर जी जेड के, ठीक है। तो ये टोटल आपका जो पहला पैटर्न होता है फॉरवर्ड पैटर्न में, कुछ इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। चलिए इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, या फिर मैं आपको नेक्स्ट बता रहा हूँ। देखिए दूसरा पैटर्न हम करते हैं, दूसरा पैटर्न क्या होता है आपका रिवर्स पैटर्न, ठीक है। तो दूसरा पैटर्न जो करेंगे ना हम रिवर्स पैटर्न, उसी से संबंधित आपका एक पैटर्न और होता है जो हम लास्ट में बताएंगे फोर्थ पैटर्न को, ठीक है। वो भी आपका कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन इनमें और उनमें अंतर क्या होता है वो देखते हैं। तो रिवर्स पैटर्न को हम करते हैं, दूसरा पैटर्न होगा आपका रिवर्स पैटर्न, ठीक है। तो पहला पैटर्न फॉरवर्ड पैटर्न हमारा हो गया, दूसरा रिवर्स पैटर्न की तरफ हम चलते हैं। जैसे आपके सामने उसने दे दिया पी ए आर टी वाई, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं, देखो इधर आके इसमें फॉरवर्ड पैटर्न में क्या था दोस्तों, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। फॉरवर्ड पैटर्न में क्या था, कुछ इस तरह से लेटर्स थे, और पहले लेटर का मतलब पहले से था, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, चौथे का चौथे से, माइनस होगा या प्लस होगा, कुछ भी हो सकता है। अब रिवर्स पैटर्न में क्या होगा, जैसे कुछ ये लेटर्स दिए हुए हैं आपको, ठीक है, और यहाँ कुछ लेटर्स दिए हुए हैं, तो पहले का लास्ट से मतलब होगा, दूसरे का सेकंड लास्ट से,
तीसरे का इससे, चौथे का इससे, पांचवे का फर्स्ट से, कुछ ऐसे होगा। देखो जैसे पार्टी आपके सामने एक लेटर दे दिया, पी ए आर टी वाई, इसको क्या कहा जाएगा, पार्टी को क्या कहा जाएगा? तो सिंपल कुछ इस तरह से आपको करना है, ठीक है, दूसरे का यहाँ पे, तीसरे का यहाँ पे, चौथे का यहाँ पे और पांचवे का यहाँ पे। तो हम देखेंगे पी ए आर टी वाई, कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब इसमें आपका प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है बायोलॉजी, बायोलॉजी, ठीक है, और बायोलॉजी को उसने क्या कह दिया भाई, बायोलॉजी को कह दिया उसने एक्स एफ एन के एन एच ए, ठीक है, ये कह दिया। आपसे पूछा जा रहा है बताइए फिजिक्स को क्या कहा जाएगा, फिजिक्स को क्या कहा जाएगा? तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको देखना होगा कि भाई ये पैटर्न जो है वो कौन सा फॉलो कर रहा है। तो हम देखें तो जब हम डेली रेगुलर बेस पे इन क्वेश्चंस को करते रहेंगे तो आप देखो बायोलॉजी को लिखो यहां पे बी आई ओ एल ओ जी वाई, बायोलॉजी, ठीक है, ऐसे लिखेंगे तो जल्दी आसानी हो जाएगी। तो एक्स एफ एन के एन एच ए, ठीक है। तो हम देखें भाई क्योंकि ये हमारा कौन सा पैटर्न है भाई, रिवर्स पैटर्न है, तो पहले का इससे क्या हो रहा है, माइनस एक हो रहा है, पहले वाले में माइनस एक हो रहा है, माइनस एक हो रहा है, तो हमें यहाँ से माइनस एक करना है। पी 16 पे होता है तो 15 पे कौन होगा, ओ, यहाँ देखो ओ, ठीक है, आई के बाद एच, यानी कि एच के बाद आई होता है, माइनस एक हो रहा है, एच कितने पे होता है, 8 पे, तो हमें कौन सा नंबर लाना है, 7, जी होगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, ओ के बाद पहले यहाँ हो रहा है एन, तो एन के बाद ओ आता है तो माइनस एक हो रहा है, ऐसे वाई से आप माइनस एक करेंगे तो वाई कितने पे होता है, 25 पे, तो 24 पे क्या होगा, एक्स, ठीक है। ऐसे हम एल की तरफ चलते हैं, एल के बाद क्या आ रहा है, देखो एल के बाद के, तो के बाद एल आता है, तो के 11 पे है, एल 12 पे है, ऐसे एस से पहले चलेंगे तो एस कितने पे होता है भाई, 19 से पहले हम चलेंगे 18, तो 18 पे क्या होता है, आर, ठीक है। ऐसे हम चलते हैं आगे, ओ के बाद हमें क्या दे रखा है भाई, एन, तो एन के बाद ओ आता है, क्या आता है, एन के बाद ओ आता है, तो माइनस एक कर देंगे, माइनस एक किया तो आई कितने पे होता है भाई, 9 पे, 8 पे क्या होगा, एच, ठीक है। ऐसे हम आगे बढ़ते हैं, आगे करेंगे तो जी के बाद एफ आ रहा है, तो एफ के बाद जी आता है, यानी कि माइनस एक हो रहा है, ऐसे हम माइनस एक करेंगे तो सी 3 पे होता है, 2 पे क्या होता है, बी, ठीक है। ऐसे एस को भी माइनस कर देंगे एक, ठीक है, माइनस एस को भी एक किया तो कितना हो गया, एस होता है 19 पे, 18 पे क्या होगा, आर, तो इसका आंसर होगा आर बी एच आर एक्स जी ओ। कहने का मतलब कुछ भी प्लस किया जा सकता है, कुछ भी माइनस किया जा सकता है, लेकिन पहले का लास्ट से मतलब होगा और सेकंड लास्ट का सेकंड लास्ट से मतलब होगा, सेकंड का सेकंड लास्ट से मतलब होगा, ऐसे चलती रहेंगी चीज़ें, ठीक है। तो हमारे दो पैटर्न कंप्लीट हो चुके हैं, बचे हैं अभी हमारे पास तीन, तीनों को और कवर करते हैं भाई जैसे हमने इनको कवर किया है, क्योंकि सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ आ जाएंगी अगर पैटर्न आपको मालूम होगा। तो थर्ड पैटर्न की तरफ हम बढ़ते हैं, जो हमारा होगा पेयर पैटर्न, नंबर तीन होगा हमारा पेयर पैटर्न, ठीक है। और इसको पहले हम देख लें भाई कैसा है पेयर पैटर्न। तो देखो कुछ लेटर आपको दे दिए, ठीक है, और कुछ लेटर आपको नीचे दे दिए, तो इस लेटर में क्वेश्चन कुछ इस तरह से होंगे, या इसका इससे मतलब होगा, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, ठीक है, या तो कुछ इस तरह से आपका मतलब निकल रहा होगा। अगर मान लो अगर ऐसा नहीं निकल रहा है तो ऐसा भी हो सकता है भाई इसमें पांच लेटर हो, अगर छह ना हो, पांच भी हो सकते हैं, ये समझ ना चीज़ों को। तो अब कैसे होगा, तो देखो ऐसे हो सकता है कि इसका इससे हो गया, मतलब लास्ट का इन दोनों से हो गया और इनका बिल्कुल आगे पीछे हो गया, इस तरह से हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ यहाँ पे और उनके माध्यम से आप समझना, ठीक है। जैसे स्पॉट दे दिया आपको, क्या दे दिया, एस पी ओ आर टी, स्पॉट दे दिया उसने, लिख दिया भाई पी एस ओ को ओ रहने दिया टी आर, तो देखो एस का एस, पी का पी, ओ का ओ, आर का आर, टी का टी,
अब यहाँ कोई प्लस नहीं था, कोई माइनस नहीं था, तो आसानी से आपने समझ लिया चीज़ों को। लेकिन वहीं आपको प्लस माइनस कर दिया जाए, मान लो आपके सामने लिखा हुआ है राकेश, आर ए के ई एस एच, राकेश लिखा हुआ है, और राकेश को वो कुछ और भी लिख सकता है, जैसे यहाँ पे लिख देगा ए से बी कर देगा और आर से एस कर देगा। तो आप देखेंगे इन दोनों का मतलब एक एक प्लस हो रहा है दोनों में, ठीक है। ऐसे वो यहाँ पे कर सकता है, कैसे, के का एल और ई का एफ, ठीक है। ऐसे यहाँ कर सकता है, एस का बाद टी और एच के बाद क्या कर सकता है यहाँ पे आई। तो इनका आंसर ये हो सकता है बी एस एफ एल टी, नहीं गलत हो गया, एस टी और आई होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस से किया जा सकता है, माइनस से किया जा सकता है, लेकिन पहले का दूसरे से मतलब होगा और दूसरे का पहले से मतलब होगा। ऐसे यहाँ पे आगे चलेगा, या तो सीधा सीधा बिल्कुल तीसरे का तीसरे से हो सकता है, या अगर टोटल छः लेटर हैं तो आगे पीछे करके पैटर्न चल सकता है। तो हमारा पेयर पैटर्न भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखो बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो लेंदी रख लो, उससे क्या फ़ायदा। मैं रात शाम को आपको कराऊंगा ना वैसे लाइव क्लास, तो उसमें क्वेश्चंस डिस्कस हो जाएंगे। फोर्थ में होगा आपका पोजीशन बेस्ड पैटर्न, पोजीशन पैटर्न ही लिख दो बस, ठीक है। और इसमें कैसे क्वेश्चंस होंगे, इसमें तो बहुत ही नॉर्मल होंगे, ठीक है। जैसे कोई भी लेटर लिखे होंगे वो रिवर्स पैटर्न में आपको लिख दी जाएंगे। यहाँ तो रिवर्स था, कैसे, पहले का लास्ट से इसका इससे, लेकिन इसमें क्या लिखना है, जैसे आपके सामने लिख दिया जाए फादर, एफ ए टी एच ई आर, तब आपके सामने ऐसे लिखा हुआ है तो वो ऐसे लिख रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे जब हम लिखेंगे तो सभी लेटर्स हमारे क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। तो यहाँ पर एफ ए टी एच ई आर, तो इस तरह से लिख जाएगा, मतलब पूरा का पूरा जो शब्द है वो लेटर, सभी लेटर्स उसके उल्टे हो जाएंगे, आगे के पीछे, पीछे के आगे। था ये रिवर्स पैटर्न में, लेकिन रिवर्स पैटर्न में आगे का लास्ट था, उसका सेकंड लास्ट था, लेकिन यहाँ बिल्कुल बिल्कुल मतलब ऐसे हो जाएंगे, सीधा लिखा हुआ है उसका उल्टा लिख देंगे आप। जैसे मदर लिखा हुआ है, ठीक है, एम ओ टी एच ई आर, ठीक है, इसको क्या लिखा जाएगा, आर ई एच टी ओ एम, यानी कि मदर, ठीक है, यानी कि फादर, बिल्कुल आपको ऐसे लिखे जाएंगे। अब यहाँ पे आपके प्लस एक हो सकता है या प्लस माइनस एक हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन वो सेम रहेगा, ऐसे है तो ऐसे लिखना होगा, ठीक है ना। चलिए, तो हमारे चार जो टॉपिक हैं वो क्लियर हो गए हैं। लास्ट हमारा टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा इजी है, लेकिन आपको क्या करना है वो मैंने बताया था, आपको याद करना है, बहुत ही आवश्यक है। तो लास्ट जो हमारा पैटर्न है वो है अपोजिट पैटर्न, ठीक है। इसको हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस के हम ट्रिक भी अपना लेते हैं, क्योंकि ट्रिक भी बहुत आवश्यक है। तो अब आपके सामने पहले देखें फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न, पेयर, पोजीशन पैटर्न, अपोजिट पैटर्न, लास्ट पैटर्न है, सभी को मिटा देता हूँ, लास्ट पैटर्न को हम समझते हैं डिटेल में, ठीक है। तो दोस्तों लास्ट पैटर्न जैसे क्या होता है, मान लो आपके सामने लिखा हुआ है भाई जी एस टी एल, ठीक है, तो इसको उसने लिखा हुआ है टी एच जी ओ, ये लिखा हुआ है उसने, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए, बताइए बताइए ए एस टी के को क्या लिखा जाएगा, कितने, दो चार लेटर है ना, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं भाई, इसका आंसर क्या होएगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा भाई ए के, ए का अपोजिट क्या होता है जेड, एस का अपोजिट होता है एच, टी का जी, के का होता है भाई पी, ठीक है, ये आंसर होगा। कैसे, इसमें सिर्फ आपको अपोजिट्स दे रखे होंगे, अपोजिट कैसे दे रखे होंगे, जैसे मैंने आपको बताया था भाई ए का अपोजिट क्या होता है, ए का अपोजिट होता है जेड, ए टू जेड, ऐसे मैंने बी का बताया था, बी का अपोजिट क्या होता है भाई
वाई, बी ओ वाई। ऐसे मैंने एक वीडियो आपको बना रखी है जिसमें सभी के अपोजिट हैं। अगर ये आपको याद होंगे तो कैसा भी प्रश्न आपको दे दिया जाए आप आसानी से अपोजिट्स को बता सकते हैं। इसमें कोई प्लस माइनस तो होता नहीं है, सिर्फ आपको अपोजिट्स देखने होते हैं। अपोजिट कैसे देखने होते हैं, जैसे कोई भी लेटर आपके सामने अजीत लिख दिया जाए, ए जे आई टी, अजीत लिख दिया। मान लो इसका आपसे पूछा जाए अपोजिट, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं ए का जेड होता है, जे का जंगल क्यून, मैंने बताया जंगल क्यून तो क्यू होता है, आई का मैंने इंडियन रेलवे बताया तो आई से आर हो जाएगा, टी का मैंने जीटी रोड बताया तो जी हो जाएगा। ठीक है, अब सभी को हम एक एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ए से ए टू जेड, ठीक है, बी से बी ओ वाई, सी से एक्स सी आई एक्स, है ना, या और भी चीज़ें हैं, है ना, उसके बाद डी, डी का होता है यू, ऐसे ही आगे सारी चीज़ें। आप बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगी सारी चीज़ें मैं बताऊंगा तो, ठीक है। और कुछ एक दो और ले लेते हैं हम, जैसे आपके सामने दे दी जाए, मेरा ही नाम ले लो, वी आई वी ई के, तो आप देखें वी का अपोजिट क्या होता है भाई, वी का अपोजिट ई होता है, आई का आर होता है, ठीक है, वी का फिर ई होता है, और ई का क्या होता है वी, के का क्या होता है पी, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से चीज़ों को आपने देखना है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें भी। तो सारी की सारे जो पैटर्न्स हैं वो आपके हो चुके हैं क्लियर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नंबर, जो नंबर पैटर्न होता है, नंबर वाला पैटर्न, नंबर वेस्ट जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम करेंगे, नंबर कोडिंग वाले क्वेश्चंस को। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। अब देखो यहाँ से आप करंट अफेयर की वीडियोस देख सकते हैं, और ऊपर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो दूसरा एग्जामगढ़ चैनल है। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू।